तकरीबन साल को होने लगा कि मैं बोलने का मौका मिले, पर मेरी डर तो मेरा दौखला यह है कि पहला तो मैं विद्यार्थियों के सामने बोलता सी, अज विद्वानों के सामने बोलना पै रहा है। तो मैं क्षमा कर दे जे कि बहुतियां जिम्मे लखबीर कह गया बहुत व्डिया उच्चिया गल् तो नहीं, जो जिन्ना मैं समझ आया या जिदा मैं समझने की कोशिश की है इस विषय बारे। सत्कारित मंच, मैं डिटेल च नहीं जावगा, विद्वान दोस्त विद्यार्थी डॉक्टर सरबजीत सुरा ने ओपन अप करता इस विषय को, जिहड़ा कि मैनू लगता जिहड़ा कि इदों पहला जां शायद कई बार जिन्हों असीं बड़ा बड़ी संकीर्णता दे देखते आ रहे, दलित मसले, नारी मसले, ये सारे जिहड़ियां हाशियाग्रस्त लोग समूह ने उन्हां दी गल बड़ी असीं संकीर्णता दे नाल करदे सी। इस सैमीनार की मैं कहांगा कि बड़ी प्राप्ति के रूप में होगी कि इस विषय को होर ज़्यादा वड्डे परस्पेक्टिव दे जा के वेखण की लोड़ आ, ते उन्होंने ये जिहड़ा है इस जिथे इन्होंने शुरू की थी, मैं आपके विषय बारे थोड़ा जा बात चाहवागा। पहली गल के पंजाबी दे विच असीं काफ़ी सारिया जिहड़ियां तरंद ने जां जिहड़े संकल्प ने उन्होंने अपने ढंग दे नाल जां उन्होंने परिभाषित करन दे विच लगे हुए हाँ। सबाल्टर्न दा असीं अनुवाद किया, जिहड़े केंद्र तो बाहर धक्के हुए ने हाशियाग्रस्त, फिर उसनों असी होर ज़्यादा बहुता करके कर लिया कि भी ये सिर्फ दलित ते नारी की गल ही है। तो ये नवे ढंग के नाल नवे रूप में परिभाषित इसनों करन दी लोड़ है। बड़ी खूबसूरत गल जिहड़ी फार्मूलेशन के रूप में आई कि हर मनुखी समूह जां कोई भी छोटा समूह किसी ना किसी थां उत्ते हाशियाग्रस्त है। मैं थोड़ी जी गल इवन मेरी आदत मखौल च भी करदा कि जे पंजाब यूनिवर्सिटी के सारे देखना हो सिस्टम नो ते जिहड़े अबोर, मलोट, गिदड़वा, मुक्तसर ये कॉलेज जिहड़े हाशियाग्रस्त ने, क्योंकि जदों इधर आने की गल है मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा, डॉक्टर योगराज भी शायद थक के भी हाशियाग्रस्त एरिए की जाना है ना, क्योंकि एक लंबा सफर तय करना पैंदा। यह हासिल सी गल जदों सानू सिखाया गया स्कूल दे विच अध्यापक ने सिखाया कि जदों बेटा पेपर हल करना है तां उह दोनों पासे हाशिया छड्डना है, मेरे वास्ते वो शब्द हुण मैं उसनों याद कर रहा। तो असीं पुछदे सी कि उस हाशिया दे विच करना की है, वह कहिंदे इहदे ते जिहड़ा सवाल तुसीं कढ़ना है ना उहदे वास्ते जिहड़ा रफ वर्क आ जिहड़ा बुनियादी वर्क आ बुनियादी काम गुणा जमा घटाओ ये सारा तुसीं हाशिए ते करना है, ते अखीर ते बेटा इहदे ते काटा मार देना, नंबर मिलने तुहानूं जिहड़ा तुसीं सवाल का जवाब कढ़िया ते हाशिए ते जिन्हें उस सवाल के हल होण दे विच जां उस समाज के वधिया बणन दे विच भरपूर योगदान पाया आर्थिक पक्ष तो समाजिक पक्ष तो उस दे उत्ते काटा मारना। हाशियाग्रस्त लोग उन्हें जिहड़े समाज की मुख धारा नूं बणाउंदे ने, हाशियाग्रस्त लोग उन्हें जिहड़े जिहड़े कि सारा काम होण तों बाद जिन्हां नूं कहा जांदा कि भी चलो हुण तुसीं वी रोटी खा लो, हाशियाग्रस्त लोग उहने। हाशियाग्रस्त वह एजुकेशन सिस्टम आ जिहदे विच आया जांदा कि भी पढ़ के 90% नंबर लै गया ये इंटैलीजेंट है, ये सियाणा है, ये सूझवान है, ज्ञानवान है, तो जे कोई 35% वाला हो अज दी गल्लां भी करे कम की गल भी करे। कल मैं टीवी के उत्ते देख रहा सी अपने नेड़े सीर आली का मुंडा राजा टीवी के उत्ते उहदी आ रही सी, उस बंदे ने +2 ही की है तो बड़िया खूबसूरत जिहड़ियां इनोवेशन ने कर रहा है, बारहवीं जमात का पढ़िया, वह हाशियाग्रस्त है, उसनों किसी ने नहीं पूछना क्योंकि वह उस मुख धारा के नहीं आ रहा जिहड़ा कि इंजीनियरिंग की या टेक्नोलॉजी की मुख धारा है। तो ये सवाल बड़े गुंझलदार ने कि कितने असी हाशियाग्रस्त हो रहे हैं कितने।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੂਝ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਦੋਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ਿਆਕ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਗਤ ਨਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਸੁਹਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਰਾਈ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਝੰਝੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖਲ ਜਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਰਤਣੇ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੌਧਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ
सारे अध्यापक बैठे ने कि इस तरह का एक वातावरण पैदा करना पेगा जिदे जोड़ा है विद्यार्थियों स्कॉलरस न अपनी गल कह स्वतंत्रता हो नहीं तो असं उस एजुकेशन सिस्टम के पढ़ के आए हैं जिसे जे कोई विद्यार्थी सवाल भी पूछ लेंदा तो अध्यापक जनरली साडा सिस्टम यहो जिहा है कि मैं कहना हुंदा कि साडे इलाके च पढ़ाउणा बहुत सौखा कोई सवाल पुछदा ही नहीं तो सानू सवाल पैदा करने पैणगे तो जे कोई पुछ ही लवे मेरे वर्गा तो फिर उन्होंने कह देंगे रहन दे तुहानू बड़ा पता तो उत्थे भी असीं एक विचारधारक सो कॉल्ड विचारधारक चौधरी जी है उसका विखावा कर रहे भी मैं अकाडमिक तौर पर तेरे वाला मैं PhD कर गई मैं डॉक्टर बन गया तू तो जो कंप्यूटर भी नहीं बनया पलिया मारसा तेन सवाल पूछने का हक नहीं तो इदा दलों ने जड़िया कि एक ओपन डिस्कशन जी है विद्यार्थियों ही असी उन्होंने उन्होंने दिमागों के जो जाले ने उन्होंने उतारन की कोशिश है तो असी मैं ये लगता हूँ कि भी असी एक एक तरह की जी सा जी जी अस कह सकते हैं कल्चरल कॉन्शियसनैस है उस तो ही विरवे हो गए साड़ी जी सभ्याचारक चेतना है चाहे वह भाषा प्रति हो चाहे साढ़े समाजिक संबंधा प्रति हो तो ही असं विरवे हो गए तो वो मैं कहना चाहूँगा कि उसकी अगे जी कविता है सा बड़ा महान कवि है पर संखेप संकेतक वेरवे तनी राम चात्रिक जो गल गल करता है ना असं बार बार उसू बोलते भी हाँ तुड़ी तन साह हाड़ी वेच वट के लंबड़ा के शाह का हिसाब कट के है ना तो अखीर शब्द प्रयोग नहीं करता माल टांडा सामने नो तो सवाल है कि भी मेला तो वेखण वो जा रहा क्यों तो बेचारे फिर माल टांडा सामने छड़ता उसका मेला वेखण का हक फिर उत्थे मारिया गया हालांकि आधुनिक संवेदना का कवि बड़ा प्यारा कवि है साडा पर कित ना कि भी माल टांडे का बाकी काम कार जरा है वो तेरे जमा वा मैं वेख्या वा तो इस तरह सानू मध्यकाली जो प्रवचन है वो सू असी संकेत लैके अपना वर्तमान का जो साहित है उसको डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि बड़िया खूबसूरत गल्लां जिहड़ियां हन वो उभर के सामने आ सकन। मैं एक ही कविता जी है उसको कोट करना चाहागा बुले शाह हालांकि डॉक्टर सरबजीत होरां दे विश्वास के नाल कि मध्यकाल औरत की गल जी है गुरु नानक साहब ने की बार बार की फिर असी उस तो थिड़क गए फिर असी सानू दोबारा हुण फिर उही गल करनी पै रही है जिहड़ी एक पेज कर रहे ने ते असी उस नू हुण दूसरे मुहावरे विच उलटा के गल कर सकदे ते मैनू जदों मैं बुल्ले शाह दे उत्ते काम कर रहा सी तां मैनू एक उहदे विच एक कोटेशन मैं पेश करके कि मैं स्टंट रह गया वी जदों बुल्ले शाह बाकी सारियां गल्लां ने लिखदा ते उहदी एक जिहड़ी काफी आ उहदे विच एक लाइन एक छोटा जिहा कपलेट जिहड़ा हैगा नड्डा गिरदा बुढ़ा गिरदा आपो अपनी वारी नड्डा गिरदा बुढ़ा गिरदा आपो अपनी वारी की बीबी की बांदी लौंडी की धोबण पठियारी अमला सेती होण नबेड़े नवी लगाए पार वाहवा छिंझ पई दरबार। तो हुण छिंझ की है वह जिथे सिर्फ मरदावी शक्ति का ही प्रगटावा हुंदा है तो उस मरदावी शक्ति का जिहड़ा प्रतीकात्मक जां चिन्हात्मक जिहड़ा प्रबंध है उसनों बुल्ले शाह विंगारदा कि उस छिंझ दे विच औरत नूं लिआउणा दबियां कुचलियां जातां सौ काल दबियां कुचलियां जातां उन्हां नूं लैके आउणा तो औरत दा छिंझ दे विच शामिल होना ही अपने आप दे विच बुल्ले शाह दी एक मैनूं उहदियां सारियां काविआं इह कावि जिहड़ी हैगी मैनूं बहुत खूबसूरत लगी कि बुल्ले शाह दे कोल इहो जिही ही एवें तां आ नहीं सकदी उहदे कोल इक चेतना है जिहड़ी जिहड़ी उसदे अपने उस असीं कह सकदे हां उस जातिगत कॉन्शियस दे विचों नहीं सगों उस समाजिक कॉन्शियस दे विचों आई है जिहदे विच जिहड़ा है सानूं देख के गए घड़िए शब्द सच्ची टकसाल ते शब्द दी महिमा डॉक्टर ढीड़ा करनगे पर शब्द जिहड़ा हैगा वह सानूं रीकंस्ट्रक्ट करन दे वास्ते सानूं पुनर सिरजन दे वास्ते तो दोस्तो सानूं अपनी उस साइकी नूं उस मानसिकता नूं पुनर सिरजित करना पएगा दोबारा उसनों सिरजित करना पेगा तो पुनर्सिरजन करने वास्ते पहलिया जिहड़ियां धारनावां ने वो एक 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 मैं लगता हूँ कि यह एक एक तरह की जहनी गुलामी जिहड़ी है राजनीतिक गुलामी तो असीं निकल आए किसी हद तक असीं आर्थिक गुलामिया के विचों निकल की कोशिश भी की थी। पर अजे तक असी उस जहनी गुलामी के विचों नहीं निकल सके वजह वही है कि मेरी जिहड़ी पोजिशन आ समाज के विच किहो जी मर्जी हो जाए पर मेरे अनकॉन्शियस दे विच एक वह धारना जी है उस रूप में पई रही है जी कि सानू बार बार वक्रे वक्रे जो विधान है उन्होंने सिरजन सहाय होंगी। तो
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।